24 News, जज्बा सच दिखाने का। उपचुनाव के चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बुलंदशहर पहुंचे। लल्लू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के दौरान उनमें जोश भरने के लिए कहा कि यूपी सरकार अगर किसी से डरती है तो वो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। सरकार को घेरते हुए लल्लू ने कहा कि 3 महीने में सरकार ने उनके खिलाफ 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज करा चुकी है, मगर उसके बाद भी वो ना तो डरे हैं और ना डरेंगे। लल्लू ने कहा, यूपी में अगर कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहा है तो वो प्रियंका गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी है। इस दौरान लल्लू ने आवाम से सदर सीट के कांग्रेस प्रत्याशी सुशील चौधरी के विजयी बनाने की अपील की। गौरतलब है 3 नवंबर बुलंदशहर सदर सीट के लिए मतदान होना है, जिसके चलते सभी सियासी दिग्गज उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए ताकत झोंक रहे हैं। दमनकारी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता संघर्ष करते हुए 62,000 से अधिक लोगों ने गिरफ्तारी दी है, मुझे बताते हुए यह बार हर सो रहा है कि अब तक 8,000 से अधिक कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लिखे गए हैं। मुझे बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि सरकार को अगर डर है किसी से तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से डर है। कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजने का काम कर रही है। हमारे SC ST एक्ट के चेयरमैन श्री आलोक प्रसाद आज जेल में है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता श्री अनूप पटेल आज हमारे जेल में है। हमारा एक विरोध करने वाला साथी तिवारी आज वो जेल की सलाखों में है। ये बताते हुए इसलिए हर्ष हो रहा है, दूसरे दल के लोग आज आपके अधिकारों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहे। आज मुख्य विपक्षी पार्टी कौन है, ये सवाल है आपसे। आपने 30 सालों से कांग्रेस को जनाधिकार का प्रयोग, आपने अपने अधिकारों का प्रयोग करके 30 सालों से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में आज जनादेश नहीं दिया है, फिर भी आज सड़क पर लाठी खाने का काम, आपकी आवाज, किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज, महिलाओं के सुरक्षा के सवाल पर कौन संघर्ष कर रहा है? सिर्फ एक पार्टी संघर्ष कर रही है जिसका नाम आदरणीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस। आपका खून नहीं खौलता, आप कभी चिंतन नहीं करते। ये वही देश है जिस देश में, इस मिट्टी में अपने प्राणों की आहुति दे दी इंदिरा गांधी ने। ये वही देश है जिस देश के लिए राजीव गांधी जी के खून का एक एक कतरा आपके इस मिट्टी में शरीक हो गया। और उनकी बेटी प्रियंका गांधी जब हाथरस के मामले में सड़कों पर जाती है, उनके बेटे आदरणीय राहुल गांधी जब हाथरस के मामलों में सड़कों पर जाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह बदसलूकी करती है? आपका खून क्यों नहीं खौलता कि उत्तर प्रदेश सरकार का पुलिस का जवान सरकार के इशारे पर प्रियंका गांधी जी के कपड़ों को नोचता है? आपका खून क्यों नहीं खौलता कि आपकी बेटी के साथ इसी उत्तर प्रदेश में बदसलूकी होता है और आप बैठकर तमाशा देखते हैं? बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।